फॉर्मली स्टार्ट करते हैं जनाब. क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट लेक्चर इफ यू हैव एनी. नो सर। ठीक है. अच्छा मुझे एक चीज मैं आप लोगों से सबसे कहूंगा कि अभी पिछले लेक्चर जितने पढ़े हुए ना उसको पढ़ें एक दफा. कोई भी टाइम ले लें जब भी आपको होता है ना, तो आप जब भी आप कहोगे तो मैं आपके साथ सेशन कर लूंगा इस हवाले से. जब भी आप कहते हैं कि सर इस आज नहीं फलां दिन को, सैटरडे को ही, ठीक है संडे को नहीं, क्योंकि सैटरडे को मैं मतलब होता हूँ अपना पढ़ रहा होता हूँ, लेकिन ये कर लूंगा. लेकिन संडे को मेरी अपनी क्लास हो रही होती है तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल मी के मैं उसको कंटिन्यू करूँ. ठीक है. PIAIC की लाइव लेक्चर चल रहे होते हैं मेरे. ठीक है. अगर आप अटेंड करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है. अब आप कहेंगे सर अभी तो पहले ही यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है, आप और पढ़ने की बातें कर रहे हैं, मैं सिर्फ ऑप्शंस दे रहा हूँ. ठीक है. अगर आपका दिल करता है तो आप कर सकते हैं, नहीं करता ना करें. ठीक है. लेकिन रिकमेंडेशन है कि वो करें. वो ब्लॉकचेन पे मैं हूँ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हूँ. ठीक है. तो ये चीज़ें करें ताकि आपको और सीखने को मिले. अच्छा अब जो मैंने अर्ज करना था कोर्स के हवाले से वो ये है कि आप लोगों के जहनों में कुछ सवाल होंगे. ठीक है. उन सवालात को लिखें. लिखने के बाद वो सवालात के लिए एक सेशन करें कि सर हमने क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे, तो काइंडली ये क्वेश्चंस के आंसर्स दें. ठीक है. तो वो आंसर्स जो हैं वो क्वेश्चंस आप मुझसे पहले पूछ लें, इस तरह से कर लेते हैं. या आप अगर कहते हैं कि मैं किसी दिन इसी तरह से लाइव आ जाऊं जैसे अभी आपके साथ हूँ, वो भी हो जाएगा. आप क्वेश्चन आंसर्स ईमेल पे करना चाहते हैं, ईमेल पे, क्योंकि कई दफ़ा आप इंग्लिश फ्रेज करना या क्वेश्चन को समझाना मुश्किल हो जाता है, तो ईमेल भी कर देंगे तब भी जवाब आ जाएगा, व्हाट्सएप कर देंगे तब भी जवाब आ जाएगा. ठीक है. तो क्वेश्चंस करें. और अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ चीज़ों के केसेस में ना एक दो कोर्सेरा के ऊपर एक वेबिनार मैं करना चाह रहा हूँ, तो आप लोग इस हवाले से ज़रा मुझे बताएं. मैं अभी इसका ज़रा एजेंडा तैयार कर रहा हूँ. तो और हाँ एक चीज़ और मैं कर रहा हूँ, आई एम इन कॉन्टेक्ट विद EDX, तो EDX भी होपफुली हमें ये एक ग्रांट दे देगा. ठीक है. तो ये ग्रांट जो है ना वो आप अगर लोग वहाँ पे कैसे करना चाहें कुछ कोर्सेज तो वो वहाँ से भी हो जाएंगे. इसी तरह से यूडेसिटी उडेसिटी जो है वो भी दे रहा है, लेकिन वो 1 महीने. वालेकुम, आर यू देयर पीपल? मुझे नहीं समझ आई कि अचानक जूम मेरा बंद क्यों हुआ है. ठीक है. आप लोग यहीं पे हैं? मुझे लगा कि मेरा इंटरनेट डिसकनेक्ट हो गया, लेकिन वो इंटरनेट डिसकनेक्ट नहीं हुआ था, मेरा फोन सॉरी फोन कह रहा हूँ, जूम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बंद हुआ था. अल्लाह आलम क्यों हुआ था ऐसे. ठीक है. अच्छा जी, आर यू देयर पीपल? एनी क्वेश्चंस जनाब? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप हैं तो आगे शुरू करते हैं. ठीक है. अच्छा जी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यू आर स्टिल देयर, तो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो वो ज़रा आसानी रह जाएगी मेरे लिए बाद में. ठीक है. अच्छा अब यहाँ पर जो टॉपिक के हवाले से बात हो रही है वो ये है कि हमने अब जो कुछ चीज़ें बातें करनी है वो है इस चैप्टर के हवाले से जो कि है ऑथेंटिकेशन के हवाले से. मैं वो बाद में जो पढ़ाना था वो मैंने फाइल पहले खोल ली है. इस चैप्टर में आपको मैंने एक असाइनमेंट भी दी हुई है, उसका भी ज़रा मुझे बताइएगा कहाँ तक पहुँची, कुछ किया उसके हवाले से? कैरबरोस की आपको एक असाइनमेंट दी थी अगर याद हो तो, ऐसे अपलोडेड है, मैं देख लेता हूँ थोड़ी देर में. जी सिया साहब, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही भैया. यस सर। अच्छा मैं बस ये जानना चाह रहा था कि आप हमारे साथ हैं कि नहीं है यहाँ पे. तो हो गई है कि अभी होनी है? अगर नहीं हुई तो चलें हो सर जाए. अभी तो नहीं की मैंने। अच्छा नहीं की, चलें ठीक है अभी आप कर पाएंगे यहाँ पे. ओके. अब सर आप असाइनमेंट जो आपने अपलोड की हुई है उसके ऊपर तो सिर्फ मतलब वो कंप्लीट है ही नहीं। कौन सी 1 2 असाइनमेंट नंबर 3 अपलोड किया है LMS पे। मुझे जो व्यू हो रहा है उसमें से एक टाइम लिखी हुआ है यूज द फॉलोइंग बाय और उसको सॉल्व करना था बाय कर्बरॉस मेथड। सॉल्व नहीं करना था, वो ये था, मैं अभी दिखा देता हूँ. वो मैंने हो सकता है लिंक उसके अंदर पेस्ट करना मैं भूल गया हूँ, लेकिन वो लिंक आपके LMS के ऊपर अपलोडेड है. ठीक है. LMS को अगर आप गौर से देखेंगे तो वहां पे ना एक कर्बोस डायलॉग के नाम से मैंने एक लिंक लगाया हुआ है. अच्छा ठीक है. उस लिंक के थ्रू करना था। हाँ उस लिंक के ऊपर सारा कर्बोस ओके डायलॉग ओके है, ठीक।
तो वो मैं फाइल में दोबारा ऐड कर दूंगा, हो सकता है मैं मुझसे मिस हो गया हो। तो वो आपने कर्बरस डायलॉग को पढ़ना है और उस कर्बरस डायलॉग के अंदर जो बातें लिखी हुई उसको पढ़ने के बाद आपने डायग्राम बनानी है, ठीक है जी। तो वो कर्बरस डायलॉग यहाँ पे है, डफी एलमन के बाद ही था कहीं, ये है जी, ठीक है, ये वाला कर्बरस डायलॉग। इसको आप जब लिंक को ओपन करेंगे तो वहां पे आपको डायलॉग मिलेगा और उस डायलॉग को आप पढ़ेंगे, जो कि ये वेब पेमेंटी का डायलॉग है। इसको आप जब देखेंगे पढ़ेंगे ये सारी कहानी को, ठीक है। वैसे मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ फिर से कर्बरस में होता क्या है, ठीक है। तो इस चीज को आप पढ़ लेंगे और इसके मुताबिक चीज बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस, हम इस अपने आउटलाइन को हम देखते हैं, ये जो आपके सामने इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे अभी हमारी। सर मैं रुक गया सर, लास्ट डेट असाइनमेंट की क्या है? वो भी मैं एक्सटेंड कर दूंगा। मैं सारी असाइनमेंट सिक्स तक बना के ना आराम आराम से बना लो, ठीक है, फिर एक ही दफा से बेशक सबमिट कर देना, ठीक है, क्योंकि अभी मैं साथ साथ बना रहा हूँ। असल में इशू पता है क्या होता है, जब आपने कोर्स पढ़ाना होता है, ठीक है, टॉपिक पढ़ाने होते हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि ये टॉपिक पढ़ाना है, अब ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं इसको भी ऐड करूँ बीच में, तो वो उस वजह से मेरा थोड़ा सा ज़रा कह लो डिले सा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अब आपके सामने ही है मैं जो कोर्सेज कर रहा हूँ और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही कर रहा हूँ, तो फिर उस वजह से ना मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको बताएं, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो आप रिटेन करेंगे। अच्छा, अब आउटलाइन को भी ने फॉलो करना होता तो मैंने उसके मुताबिक जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैंने इसके मुताबिक ढाल के फिर आपको बताना भी होता। अब यह है ऑथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, ये आज हमने पढ़ना है, इसको आज ही ख़त्म करेंगे, इसके अलावा कुछ चीज़ें बातें की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन क्या है? पहला हिस्सा, ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि किसी की आइडेंटिटी को वैलिडेट करना, ठीक है। जो सर्टिफिकेट्स इशू हो रहे थे वो भी ऑथेंटिकेशन ही हो रही थी किसी हद तक ना, मतलब आप ऑथेंटिकेट करते थे, मतलब एक सर्वर कहता था जी मैं फलां सर्वर हूँ, तो आप उसको सर्टिफिकेट से ऑथेंटिकेट करते थे। तो उसमें ऑथेंटिकेशन में दो, वो इंटेग्रिटी, मैसेज इंटेग्रिटी है उस बंदे की, इंटेग्रिटी को भी आप वैलिडेट करते थे। यहाँ पे दो काम होते हैं, एक आइडेंटिफिकेशन होती है जिसमें आप अपना आईडी कार्ड प्रेजेंट करते हैं और दूसरा उस आईडी कार्ड को पढ़ता और पढ़ने के बाद आपको कहता हाँ जी आप वाकई हो, ठीक है। प्रेजेंटिंग एन आइडेंटिफायर टू द सिस्टम, और फिर वेरिफिकेशन क्या होती है, उस प्रेजेंटेड कार्ड को देखा जाता है और देख के बताते हैं हाँ जी वाकई आप हैं, ये है, ठीक है। इसके लिए NIST ने एक आर्किटेक्चर बनाया है, NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, इसी सिस्टम का नाम है इसका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है शायद, पर NIST मॉडल है, NIST है, HIPAA है, और इस किस्म के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं सिक्योरिटी। पूरी कहानी बेशक ना पढ़ें, ये डायग्राम देखें क्लियर हो जाती है चीज़। NIST का जो ऑथेंटिकेशन आर्किटेक्चर का मॉडल है उसमें क्या है जी, आपका सब्सक्राइबर या क्लेमेंट है जिसकी आपने ऑथेंटिकेशन करनी है, ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी के हवाले से रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को कुछ वैल्यूज देता है, आइडेंटिटी प्रूफ देता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है, वो उसके अगेंस्ट उसको एक सर्टिफिकेट इशू होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन होती है यहाँ पे भी और यहाँ पे एक सर्टिफिकेट इशू होता है। फिर जो सब्सक्राइबर साहब हैं उस तक वो चीज़ पहुंच जाती है। अब ये मेरे पास कॉल आ रही है HOD की, मतलब कॉल अटेंड कर लूँ और तब तक मैं आपका माइक म्यूट करता हूँ और फिर उनको बताता हूँ।
हजरत। अच्छा जी, मैं आर्किटेक्चर के वाले से बात कर रहा था कि सब्सक्राइबर साहब हैं अपनी आइडेंटिटी को वैलिडेट करने के लिए, अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी उसके अगेंस्ट उनको एक सर्टिफिकेट इशू करेगी। अब उनके पास आ गया, अब जो वेरीफायर है जिसने उनकी ऑथेंटिकेशन करनी है या उसको वैलिडेट करना है, वो क्या करेंगे, वो साहब को एक सर्टिफिकेट प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, और वो साहब उसकी एक कॉपी मांगेंगे सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से, दोनों को मैच करेंगे, पता चल जाएगा ये बंदा ऑथेंटिकेट हो गया, ठीक है, वो क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसके अगेंस्ट, उसकी वैलिडेशन हो रही है। तो ये एक NIST का एक आर्किटेक्चर है जिससे हम एक बंदे को ऑथेंटिकेट करते हैं। हमारे अपने सिस्टम्स में जो अपने लोकल सिस्टम्स होते हैं उसमें ऑथेंटिकेशन किस तरह से होती है, लोकल सिस्टम्स में ऑथेंटिकेशन होती है वो आपके यूजर नेम और पासवर्ड से होती है, यूजर नेम पासवर्ड से होती है, उसके बाद आपको एक टोकन इशू कर दिया जाता है, उस टोकन को आप यूज करते हैं और तमाम डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एक मॉडल है, और इसके बाद कुछ चीज़ें आपने जो ऑथेंटिकेशन के तरीकाकार हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एक जो ऑथेंटिकेशन का तरीकाकार है वो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं व्हाट द यूज़र नोज, पिन हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, या और कोई पैटर्न हो सकता है, ठीक है, और इस किस्म की चीज़ें जो होती हैं वो इंडिविजुअल नोज में आ जाती हैं, इससे आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, किसी को वो पासवर्ड पता है तो बाकी वो बंदा वो है जो क्लेम कर रहा है, ठीक है, या किसी एक पजल को सॉल्व कर देता है। अब जैसे आपने वो देखा होगा एक कैप्चा होता है, ठीक है, तो उससे वो वैलिडेट करते हैं कि ये बंदा, ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये बंदा जो है वो, बल्कि वैलिडेशन हो रही होती है कि ये बंदा बंदा ही है, ये कोई रिपोर्ट नहीं है। फिर समथिंग दैट इंडिविजुअल पोजेसेस, आप किसी को एक SMS पे कोड भेजते हैं और वो कोड वो एंटर कर देता है, तो ये आपकी समथिंग द इंडिविजुअल पोजेसेस में बात आ जाती है, ठीक है। किसी के पास स्मार्ट कार्ड है, वो स्मार्ट कार्ड या USB जिसको हम कहते हैं उसको लगा देते हैं। अब जैसे बिटकॉइन का आपने सुना होगा, तो बिटकॉइन के अंदर वॉलेट होता है, अब वॉलेट आपका इस तरह से एक USB भी हो सकती है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी हैश वैल्यू और आपका वो ब्लॉकचेन में जो आपका वॉलेट है उसका एड्रेस, आपकी प्राइवेट की टाइप की चीज़ें उसमें पड़ी हुई होती हैं, आप सिर्फ सिस्टम पे लगाते हैं, ट्रांजेक्शन हो जाती है और वॉलेट आउट हो गया तो दोबारा यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल पोजेस। इसी तरह से हमारे पास एक और चीज़ आ गई है, आप अपने मोबाइल्स में एक ऐप कर सकते हैं जिसका नाम है गूगल ऑथेंटिकेटर या लास्ट पास या ऐसी कोई ऐप्स हैं। वो क्या करती हैं, वो अगर आप फेसबुक पे, बल्कि अगर करना चाहें तो कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी हो जाता है, गूगल पे भी हो जाता है, मैंने तो अपनी वेबसाइट पर भी किया हुआ है। वो ये है कि आप एक कोड जनरेट करते हैं, रैंडम कोड जनरेट करते हैं, ठीक है, मतलब आप वो फेसबुक की अगर ऐप देखेंगे तो उसकी सेटिंग में सिक्योरिटी में आके होगा कि 30 सेकंड के लिए कोड आता है, उसके बाद फिर नया हो जाता है, फिर नया हो जाता है। तो वो क्या है, यूज़र पोजेस की बात आ रही है, यूज़र के पास जो चीज़ है उससे वो ऑथेंटिकेट कर रहा है, और आपके सिस्टम में भी, आपके सर्वर पे भी वही एल्गोरिथम चल रहा है जो कि उसके मोबाइल फ़ोन में चल रहा है, दोनों उस टाइम पीरियड के अंदर वही नंबर जनरेट करेंगे, बेशक वो ऑफलाइन भी है, तो आप नंबर एंटर करेंगे जब उस वेब के ऊपर, मतलब मोबाइल ऑफलाइन हो गया और आप वेब पे ऑनलाइन है, तो वेब वाले सर्वर भी वही नंबर जनरेट करेगा, आपका जो मोबाइल है वो भी वही नंबर जनरेट करेगा और उससे आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर है जी बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट हो गया, आयरिस रिकग्निशन हो गया, ठीक है, इसके सभी चीज़ें, रेटिना या फेस रिकग्निशन इसमें आ गया, और डायनामिक जो आपका बायोमेट्रिक्स है, वॉइस रिकग्निशन टाइप की, वॉइस पैटर्न नॉट वॉइस पैटर्न, ये बात कैसे करता है, जैसे हमें सियालकोट में बात करेंगे यार, तो वो एक पैटर्न होता ना एक बंदे के बात करने का। तो ये चार चीजें हैं जिससे आप किसी बंदे को ऑथेंटिकेट कर सकते, ठीक है जी। अब सपोज आप, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ और हम लोग सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको आवाज से आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा कौन है, ठीक है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर बोलने के पैटर्न से पहचान लेता है ये कौन है, बेशक अगर मैं किसी की नकल भी उतार रहा हूँ तो उस तरह से फिर भी पहचाना जाएगा। तो ये चार तरीकाकार हैं जिससे आप किसी बंदे को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल है, अभी फिलहाल हम ऑथेंटिकेशन की बात करें, एक्सेस कंट्रोल की बात मैं अगली किताब में करूंगा। अच्छा, अब क्या है कि ऑथेंटिकेशन के हवाले से दो तरीके का है, म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन भी होती है जिसमें वो एक दूसरे को क्रेडेंशियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कुछ अटैक्स हैं हो सकते हैं, रीप्ले अटैक। रीप्ले क्या है कि मैंने एक क्रेडेंशियल पेश किया और वो सपोज 8 घंटे के लिए वैलिड था, वो किसी के हाथ लग गया, मतलब मैंने, एलिस ने बॉब को अपने क्रेडेंशियल पेश किए, ट्रूडी के पास वो चीज़ आ गई,
जो 2D ने उसको कॉपी किया क्योंकि वो 8 घंटे के लिए वो टोकन वैलेट था, 2D ने जब प्रेजेंट किया तो वो बॉब को लगा ये LS है, तो ये रीप्ले हो गया। ठीक है, तो रीप्ले क्या है कि इन सिंपलेस्ट रीप्ले अटैक वन ऑफ द वन ओपोनेंट सिंपली कॉपीज अ मैसेज एंड रिप्लेस इट लेटर। ठीक है, तो मैंने फेसबुक वाली एग्जांपल दी थी ना, जो मैंने हरकत की थी वो रिप्ले था। एन ओपोनेंट कैन रिप्ले टाइम स्टैम्प मैसेजेस विद वैलिड टाइम विंडो। ठीक है, आप टाइम स्टैम्प भी अगर उस पर लगा दें तो भाई अगर वो 8 घंटे के लिए वैलिड था और एक बंदे ने जो ओरिजिनल बंदा उसने 1:01 पे किया था और वो रात को 9:09 तक जाना था, तो उसने अगर 3:01 उसको रिप्ले कर लिया तो वो टोकन वैलिड है। ठीक है, फिर दूसरा ओपोनेंट कैन रिप्ले टाइम स्टैम्प मैसेज विद इन द वैलिड टाइम विंडो बट इन एडिशन द ओपोनेंट सप्रेसेस द ओरिजिनल मैसेज। अब अगर दो लोग एक वक्त में उस टाइम स्टैम्प को भेजते हैं तो वो तो बॉब साहब को पता लग जाएगा ये दो दफा पैकेट LS तो नहीं भेज सकती, तो वो लॉग हो जाएगा। उसमें क्या कर सकते हैं, अगर मैन इन द मिडल अटैक है तो मिडल में इस वक्त 2D साहब हैं या 2D साहिबा जो भी हैं, वो LS के भेजे हुए मैसेज को इंटरसेप्ट करते हैं, उसको ड्रॉप कर देते हैं, उसके अगेंस्ट अपना पैकेट भेजते हैं, तो बॉब को लगेगा कि LS ही है। ठीक है, ये 2D नहीं है। और उसमें क्या जी, बैकवर्ड रिप्लाई विद नॉट मॉडिफिकेशन दिस बैक टू द सेंडर। ठीक है, आप अब सेंडर को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अब इस केस में क्या किया जा सकता है, इसका सोल्यूशन क्या है, हर पैकेट के ऊपर एक सीक्वेंस नंबर लगा दें। ठीक है, अब सीक्वेंस नंबर अगर आप लगा देते हैं जो कि LS साहब भेज रही हैं, साहिबा भेज रही हैं, और हर दफा उसके ऊपर सीक्वेंस नंबर है, तो बॉब साहब को सीक्वेंस नंबर का आइडिया है, और उसके बाद बॉब साहब को जब जैसे ही आउट ऑफ सीक्वेंस को एक चीज मिलेगी, चांसेस रेयर है ना कि वो एक 2D जो है वो सीक्वेंस में पैकेट भेजे, तो वो तब उसको पता चल जाएगा। लेकिन उससे क्या होता है, ओवरहेड होता है बहुत ज्यादा, अब एक पैकेट तो नहीं आता ना, तो टाइम स्टैम्प का हिसाब रखें वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि टाइम स्टैम्प तो हर पैकेट में आ रही है, तो टाइम स्टैम्प से आपको आइडिया हो जाएगा ये कितनी देर में पैकेट आया था और कितनी देर में नहीं आया था। ठीक है, अगर फ्रेश होगा तो उसको अपने जजमेंट से जो आपकी पार्टी ए है, यानी कि अगर वो बॉब LS है, LS को अगर बॉब मैसेज भेज रहा है, तो वो उसको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये है कि नहीं। दूसरा ये है जो हम करते रहे हैं, नॉन्स का लफ्ज एक इस्तेमाल करते रहे, वो है चैलेंज नंबर। एक नंबर दें और उसको आप डिकोड करें। ठीक है, अब वो डिकोड के साथ भाई आप अपनी प्राइवेट की से उसको इनक्रिप्ट करके भेज दें, वो पब्लिक की उसके पास है, उसको डिक्रिप्ट कर लेगा और उसको चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेगा, तो पता चल लेगा कि जनाब ये वाकई ये चूंकि प्राइवेट की उसके पास है तो उसी ने भेजी है। ठीक है, तो ये दो तरीकाकार हैं जिससे आप रिप्ले को बचा सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन नहीं होती, यहाँ पे भी म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन हो रही है। वो जो आपने पिछली डायग्राम देखी थी, एक तरफ ए था एक तरफ बी था, और वो पैकेट इधर जाता था उधर से इधर आता था, और फिर वो एक उसको नॉन्स भेजता था, वो उसको नॉन्स भेजता था, तो म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन हो रही थी। लेकिन कुछ केसेस में म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन नहीं हो रही। अब वो क्या है, वन वे ऑथेंटिकेशन, सेंडर भेज रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है, रिसीवर ने सिर्फ ऑथेंटिकेट कर लेना, या सेंडर फर्स्ट टाइम रिसीव कर रहा है ईमेल के केस में। अब जो आपका ईमेल है वो थर्ड पार्टी SSH यूज उसको हैंडल कर रही है, आपने जीमेल पे ईमेल की तो जीमेल के सर्वर ने उसको क्या किया, जीमेल के सर्वर ने उसको रिसीव कर लिया आपके बिहाफ पे। ठीक है, तो यहाँ पे होता ये है कि आपके जो हेडर्स होते हैं ना, आप किसी कोई भी ईमेल भेजी हुई है ना, आप उसके हेडर्स को देखिएगा। जब आप ईमेल देखते हैं, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सपोज ये ड्रॉपबॉक्स की ईमेल आई है, इसको मैं वो कहते हैं इन्होंने शेयर किया फोल्डर में, ठीक है जी मैं मानता हूँ, अब मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे होगा शो ओरिजिनल, ये है जी शो ओरिजिनल। ठीक है, जब शो ओरिजिनल को मैंने ओपन किया तो ये देखें, ये मैसेज की ओरिजिनल आईडी थी। ठीक है, उसके बाद इतने बजे ये ड्रॉपबॉक्स ने क्रिएट किया, ये मेरा एड्रेस था, ये उसका था, यहाँ पे SPF रिकॉर्ड है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ से आया है, लेकिन ओरिजिनल ये है। अब यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन है, एक मिनट, ये हेडर तक, ये यहाँ तक, ये प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट है, कोई भी पढ़ सकता है, ये आमतौर पे होता है, हर ईमेल में हेडर जो है प्लेन टेक्स्ट होता है। ठीक है, ये सारी बातें की हैं, कहाँ से है, कहाँ से। अब आपने पता करना है ये ईमेल कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, तो यहाँ पे आमतौर पे एक फील्ड होती है एक्स ओरिजिनेटिंग, नहीं है वो ओरिजिनेटिंग IP होता है यहाँ पे, तो जिसमें ये पास यहाँ से हुआ, लेकिन ओरिजिनल किस कंप्यूटर से इनिशिएट हुआ तो वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, वो भी देखना पड़ेगा, हेडर्स चेंज हो रहे हैं।
अब बाकी ये सारे ये, क्योंकि उन्होंने कोई इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी तो वैसे ही आ गया, वरना ये इनक्रिप्टेड अगर होती तो इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ होती, क्योंकि HTML आया वो कोई ऐसी प्राइवेट बात कर नहीं रहे, तो इसलिए सारी चीज़ें ऐसे आ गई। ठीक है, तो हेडर्स जो हैं तमाम ईमेल्स के वो क्या होते हैं, वो होते हैं अल्लाह का भला करे ओपन होते हैं आरएफ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट कहाँ से हुई होगी, तो इन्फॉर्मेशन कहीं आई पी एड्रेस लिखा होगा, कहाँ से रिसीव हुआ, फिर कहाँ से कहाँ गया और कहाँ से कहाँ गया, तो ये ईमेल्स यहाँ से पढ़ी जा सकती हैं। तो ऑथेंटिकेशन यहाँ पे जो चीज़ हो रही है वो क्या है कि आपके SMTP मेल सर्वर ने ईमेल भेजी, वहाँ पे उसको आपने सेंडर को ऑथेंटिकेट कर लिया, रिसीवर को ऑथेंटिकेट नहीं किया, आपने आगे भेज दी। ठीक है, तो ऐसी जो सिचुएशन होती है वन वे ऑथेंटिकेशन होती है। ठीक है, उसके बाद उस पर आप कैसे रिलाई करते हैं, आप कहते हैं अच्छा जी वन वे ऑथेंटिकेशन हो गई, और फिर जो दूसरी तरफ उसकी की है उससे वो उसको डिक्रिप्ट कर लेगा, हम पब्लिक की से भेज देते हैं उस बंदे की। ठीक है, वो अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर लेगा, अल्लाह खैर सल्ला, इंटेग्रिटी कम्प्रोमाइज नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसमें तरीकाकार है। अब म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन के हवाले से ये चीज़ आप फिगर 14.3 में पढ़ चुके हैं, ये वाली चीज़। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और पेपर के हवाले से या असाइनमेंट के हवाले से, मैं अगर आपको ये चीज़ दूँ तो आपको ये डिक्रिप्ट कर लेना चाहिए इसको सेंटेंस में। मैं कहता हूँ कि ये चीज़ लिख देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ इसको मुझे सेंटेंस में लिख के समझाएं। ठीक है, या मैं आपको सेंटेंस लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे इस नोटेशन में लिख के दिखाएं, तो समझने के लिए आप देखें, कंप्यूटर ए इज टू सी, ट्रांसमिशन हो रही है, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। क्या ए ट्रांसमिट कर रहा है? अपनी आईडी ऑफ ए, आईडी ऑफ बी एंड नॉन्स वैल्यू, एक फर्स्ट नॉन्स जो है वो ए सा भेज रहे केडीसी को। ठीक है, केडीसी क्या करता है जी, ए को भेज रहा है, क्या भेजता है? अच्छा आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है, तो मैथ्स में क्या होता है, दरमियानी ब्रैकेट, सॉरी छोटी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, अब छोटी ब्रैकेट जो इंटरनल मोस्ट है उसमें है, अब एक सीक्रेट शेयर्ड की KS और आईडी ऑफ ए को इनक्रिप्ट कर रहे हैं आप, के जो बी ने बनाई हुई उसे इनक्रिप्ट हुआ वो पैकेट, फिर उसके साथ क्या चीज अपेंड हुई, शेयर्ड की आईडी ऑफ बी नॉन्स वन जो कि उसने ओरिजिनल ए ने भेजा था, उसको के ए जो उसकी की है उससे इनक्रिप्ट करके उसको भेज दिया। फिर ए ने बी को क्या किया, वो शेयर्ड की और अपनी आईडी को बी की से इनक्रिप्ट करके भेज दिया, बी ने उसको जरा दोबारा से किया तो पता चल गया कि ये ए नहीं भेजा हुआ। फिर बी ने ए को दोबारा क्या भेजा, अपना नॉन्स भेजा और एक शेयर्ड की भेजी, जब उसको वो डिक्रिप्ट कर पाया तो पता चला कि जनाब वाकई बी ने भेजा था। फिर ए ने बी को भेजा एक फंक्शन ऑफ नॉन्स टू, और एफ इज जेनेटिक फंक्शन जो दोनों में कॉमन है। ठीक, अब इससे एक दूसरे को ऑथेंटिकेट, अब ये जो है इसकी डायग्राम पीछे 14.3 बनी हुई है, मैं आपको विजिट करता हूँ, उसका था 466 शायद, 466 नहीं था, पेज 14.3 ये है 14.15, तो अभी काफी सारे पीछे है, ये है मेरा ख्याल है 1-2, अच्छा अभी पीछे है, मैंने समझा काफी मैंने पीछे गुजार दिया है। फाइव आ गया, ये है थ्री। ठीक है, आईडी ए आईडी बी एन वन, इनिशिएटर ने केडीसी को भेजा, केडीसी ने ये काम किया, तो ये वो वाली कहानी एज इट इज लिखी हुई है, बस डायग्राम नहीं है लेकिन ठीक है, तो ये वाली सारी कहानी ये अंग्रेजी में लिखी हुई है। ठीक है, तो अब हम वापस आ जाते हैं, 477 था शायद पेज, आई थिंक सो, जुबानी याद नहीं है। ठीक है जी, तो ये एक म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन का तरीकाकार जो हमने वहाँ पे पढ़ा था उसकी बात हुई थी। ठीक, तो ये ऑथेंटिकेशन के हवाले से ये सारी चीज़ें, ये अप्रोचेस, दो तीन अप्रोचेस लिखी हुई हैं। तो ओरिजिनली जो ऑब्जेक्टिव है वो सप्रेस करें रीप्ले अटैक को। ठीक है, तो उसकी ये पूरी कहानी है कि किस तरह से एक्सचेंज स्टेप बाय स्टेप पेज 481 के ऊपर ये बात लिखी हुई है सप्रेस रीप्ले अटैक के लिए, जो ये एक साहब हैं इन्होंने इस रिसर्च पेपर में ये सारी बात लिखी हुई है किस तरह से किया जाए। तो हम फिलहाल उसकी बात, वो पहले वाले की बात ही करेंगे, वो ज़्यादा डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है,
इसके लिए अब ऑथेंटिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल जिसकी आपको असाइनमेंट भी दी हुई है वो है आपका Kerberos, ठीक है। तो Kerberos पे बात करते हैं, ठीक है, वो कैसे करता क्या है, इसमें क्या है, तीन थ्रेड्स जिसको ये हैंडल कर रहा है। यूजर मे गेन एक्सेस टू पर्टिकुलर वर्क स्टेशन और फिर इम्पर्सोनेट कर सकता है। यूजर में अल्टरनेटवर्क एड्रेस तब इम्पर्सोनेट कर सकता है। यूजर में ईवड्रॉप ऑन एक्सचेंजेस एंड देन वी कैन रिप्ले। तो इस किस्म की चीज़ों को हैंडल करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया। तो ये मोटिवेशन थी क्यों क्यों बनी चीज़ें, और इसकी जो कुछ स्टार्टिंग में बातें थी वो क्या थी, रिपोर्ट ऑन Kerberos क्या थी, सिक्योर है, रिलायबल है, ट्रांसमीटर स्केलेबल है। सिक्योर, अ नेटवर्क ईवड्रॉपर शुड नॉट बी एबल टू ऑब्टेन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू इम्पर्सोनेट। इम्पर्सोनेशन होती है किसी की मतलब जैसे अभी आमना बात कर रही थी कि मेरे नाम से लोग बदतमीजियां कर रहे हैं, तो लोग आमना को इम्पर्सनेट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि वो इंतहाई गलत हरकत है। तो इम्पर्सनेशन करना मतलब जैसे मेरा नाम अगर कोई इस्तेमाल करके अमाद साहब के नाम से किसी को ईमेल कर दे तो वो इम्पर्सनेशन होती है, ठीक है, मतलब प्रिटेंडिंग टू बी समवन। और सिक्योर इस हवाले से है, ठीक है, और Kerberos शुड बी स्ट्रांग इनफ टू के आप पोटेंशियल अपोनेंट जो है डज नॉट फाइंड द वीक लिंक या की या जो भी चीज़ है। रिलायबल यानी ये भी डॉलेंस बनना है कि लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ Kerberos मींस लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ सपोर्टिव सर्विसेज। Kerberos शुड बी हाईली रिलायबल एंड शुड एम्प्लॉय डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर आर्किटेक्चर। और एक सर्वर ऐसे होने चाहिए कि अगर इफ वन गोज डाउन तो सेकंड शुड टेक ओवर। मतलब केडीसी है, अब केडीसी हर एक को अगर आईपी एड्रेसेस और सॉरी आईपी एड्रेस कर रहा हूँ हर एक को ऑथेंटिकेट करके टोकन असाइन कर रहा है तो वो ओवरवेल्म हो जाएगा ना। वो अलहदा बात है, उसने एक दफा ही काम करना है, दिन में उसने एक दफा काम करना है। वैसे ट्रांसपेरेंट आई द यूजर शुड बी नॉट बी अवेयर दैट ऑथेंटिकेशन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, उसको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि वो यूजर ने पासवर्ड एंटर कर रहा है। स्केलेबल शुड बी कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स एंड सर्वर्स, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर की बात हो। Kerberos में क्या है, Kerberos के अंदर ये चीज हो रही है। अब आप कहेंगे सर ये किस मुश्किल में डाल दिया, तो भाई समझें सी क्लाइंट है, एएस आपका केडीसी है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन सर्वर है, वी वो सर्वर है जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, आईडीसी वो कंप्यूटर है जिससे एक्सेस करना चाह रहे हैं, आईडीवी उस सर्वर का आईडी है जिसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, पीसी अपने कंप्यूटर का पासवर्ड है, अपने यूजर का पासवर्ड है, एडीसी नेटवर्क एड्रेस ऑफ सी, और केवी सीक्रेट इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड शेयर्ड बाय द ऑथेंटिकेटेड सर्वर और द सर्वर दैट यू आर ट्राइंग टू एक्सेस। तीन स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आपका क्लाइंट टू कम्युनिकेशन होती है ऑथेंटिकेशन सर्वर पर, आप क्या देते हैं, अपनी आईडी जो आपका कंप्यूटर है उसकी आईडी, ठीक है, अपना पासवर्ड, हमने कहा था ये दो चीजें होनी चाहिए, बाकी चीजें तो नहीं, और फिर तीसरी बात जिससे आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उसकी आईडी, ठीक है, ये सर्वर को आपने भेजी, सर्वर ने आपको रिस्पॉन्ड करके एक टिकट भेजी। अब टिकट क्या होती है उसको डिस्कस करते हैं। टिकट में क्या हुआ, टिकट में आईडी आपकी अपनी, एडी जो है उसके हवाले से उसका नेटवर्क एड्रेस, ठीक है, एडी का या एक, एक जो नेटवर्क एड्रेस था सी का वो, जिसमें उसकी आईडी, आपके कंप्यूटर की आईडी, आपके कंप्यूटर का नेटवर्क एड्रेस और आईडी ऑफ द सर्वर दैट यू आर ट्राइंग टू एक्सेस, इन तीनों चीज़ों को केवी, केवी क्या थी, सीक्रेट इंक्रिप्शन की, उस इंक्रिप्शन की से जो के सर्वर को पता है और जो के इस सर्वर को पता है, उस की से इन तमाम चीजों को इनक्रिप्ट करके एक चीज भेज दी जिसको टिकट कह दिया गया, और वो टिकट मेमोरी में रिजाइड करती है, वो आपको मिल गई। अब जब वो टिकट मिल गई तो आपने जब उस सर्वर को एक्सेस करना था तो उसको आपने अपनी आईडी पास की और वो टिकट पास कर दी। अब जब वो शेयर्ड की थी उससे, उसने उसको डिक्रिप्ट किया तो आप उसको अंदर से आईडी मिली, आपका नेटवर्क एड्रेस मिला और अपनी आईडी मिली। आपने जो आईडी भेजी थी उससे उसने डिक्रिप्टेड आईडी को मैच किया, उसके बाद एडी की आईडी उसको पहले पता थी, अपने सॉरी आपका एड्रेस आपको मिला वहां से उसको, और उसको अपनी आईडी मिली, तो अगर आईडी यहां से वैलिडेट हो गई, ठीक है, अपनी आईडी उसको वैसे पता थी और आपने नेटवर्क एड्रेस इंक्रिप्शन की में पास कर दिया, उसको पता चल गया जनाब आप वाकई में, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी।
क्वेश्चंस जनाब कर ब्रोस पे ईमान वालो, सवाल फरमा लो यार। यस सर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ सवाल भी हो। बाय बाय के साथ जनाब। ये काम ये ई का क्या मतलब है? सॉरी ए का, ई का ये जो टिकट के बाद ई है इसका मतलब ए या? एक मिनट हसन साहब, एक मिनट मैं एक नई चीज करने लगा हूँ। हसन साहब यू हैव द माइक माउस कंट्रोल, तो आप जरा उस चीज को हाईलाइट करें जो आप कहना चाह रहे हैं। हसन साहब आपको कंट्रोल दिया भाई सर, नहीं हो रहा वो। हेलो अब हो रहा है यार, कंट्रोल दिया मैंने आपको कि आप जरा कंट्रोल करें, नहीं हो सकता सर। इसका लैपटॉप में कहूंगा। अच्छा चलो भाई ठीक है, मैं नहीं करता फिर और क्या कर सकता हूँ। सर ये जो ई लिखा हुआ है ना, टिकट इज इक्वल टू ई फिर के वी, हाँ तो ये ई का क्या क्या मतलब है? ये बेटे ई फॉर एनक्रिप्शन है, ठीक है। आपने जब सॉल्व करनी है ना चीज, तो आपने पहले दरमियानी ब्रैकेट, सबसे छोटी ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट, ऐसे होता है ना। तो जो इनकैप्सुलेटेड ब्रैकेट है पहले वो सॉल्व होगी। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आईडी ऑफ द रिक्वेस्टिंग कंप्यूटर, नेटवर्क एड्रेस ऑफ द रिक्वेस्टिंग कंप्यूटर और आईडी ऑफ द सर्वर कंप्यूटर, इन तीनों चीजों को इनक्रिप्ट कर रहे हैं। ये इनक्रिप्शन फंक्शन है जो इनक्रिप्ट कर रहा है यूजिंग के वी। वो इनक्रिप्शन की है जो सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेशन सर्वर और जो सर्वर जिसको एक्सेस कर रहे हैं उसके पास है, बस। इसका मतलब है सी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो इन तीनों चीजों को इनक्रिप्ट कर रहे हैं आप उस सीक्रेट की से, जो कि एक इसको पता है, एक इसको पता है, इन दो लोगों को पता है कि ये के वी क्या वाला है, बाकी किसी को नहीं पता। अब जब उसको पता है कि ये शेयर्ड सीक्रेट मेरा, जो सर्वर साहब है, फाइल सर्वर कहता है मेरे, और केडीसी जो कि एएस यहाँ पे हमने लिखा ऑथेंटिकेशन सर्वर है, उसके पास ये चीजें हैं, बाकी किसी के पास नहीं है। तो अगर कोई ऐसी चीज आती है मेरे पास क्लेमिंग के जी ये ऑथेंटिकेशन सर्वर ने एनक्रिप्ट की है, और मेरे पास वो की पड़ी हुई है ऑथेंटिकेशन सर्वर वाली, मैं उसे डिक्रिप्ट करता हूँ, और अगर मैं उसको डिक्रिप्ट कर पाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो वाकई उस एएस सर्वर यानी कि ऑथेंटिकेशन सर्वर ने भेजी है, ठीक है, क्योंकि हम दोनों को इस बारे में पता है, ठीक। तो इसलिए इनक्रिप्ट इसलिए किया ताकि वो रिप्ले उस तरह से ना हो सके। अगर आप इनक्रिप्ट करके भेज देते हैं तो रिप्ले नहीं हो रही वो चीज, ठीक है। वो पैकेट अगर रखा जाए तो खैर इस्तेमाल नहीं हो रहा वो दोबारा से, ठीक है जी। तो इस हवाले से ये है कि यहाँ पे ये तीन चीजों को इनक्रिप्ट कर रहे हैं केवी से, और ये इनक्रिप्शन फंक्शन है, ये इनक्रिप्ट हो रहा है, और ये इनक्रिप्ट होकर जो चीज बनती है उसको हम टिकट कहते हैं, ठीक है सर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सर वो जो डायलॉग है उसमें भी यही बात हो रही है? जी जनाब, लेकिन वो जरा थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, सारी यही बातें हो रही हैं। अब आप ये डायग्राम जो है उसकी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली बना के ना भेज देना जालमो असाइनमेंट में, पता चले कि सर ने कहा था तो हमने वही डायग्राम बना दी, तो मैं वो आप पहले डायग्राम क्लिक करता हूँ, देखें क्योंकि उसमें थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे क्या होता है, यूजर आता है अपने वर्क स्टेशन पर लॉग इन करता है, इससे थोड़ी सी डिफरेंट कहानी है वो, ठीक है। डिफरेंट ये है कि उसके अंदर मेमोरी का जिक्र भी है, ठीक है, और एक सर्वर की बात हुई हुई है, मेमोरी का जिक्र है, फिर उसके बाद टिकट ग्रांटिंग टिकट का जिक्र है जो कि इस डायग्राम में नहीं है, ये कर्बर्स वर्जन डिफरेंट है। अच्छा, अब यूजर लॉग्स ऑन टू द वर्क स्टेशन रिक्वेस्ट सर्विस ऑन द होस्ट, अपने सिस्टम पे लॉगिन करता है। अब लॉगिन करने के लिए ये वाली चीज, उसके क्रेडेंशियल्स जो उसमें पहले मेंशन किया हमें, ठीक है, आईडी वगैरह और इस किस्म की चीज़ें, वो भेजी जाती हैं कर्बर्स। उसके अंदर एक नॉन्स भी है वैसे, जो आप ये डायलॉग पढ़ेंगे ना उसमें नॉन्स वाला टर्म भी है। अच्छा, अब जब ये चीज़ इधर चली गई, कर्बर्स ने ऑथेंटिकेशन सर्वर के बाद उसने उसको एक टिकट और सेशन की बना के भेज इसके पास आ गई। अब वो सेशन की वो TGS सर्विस के पास गया, उसमें जो है वो एक ही सर्वर बताया गया। यहाँ पे सर्वर के पास गया, वहाँ से आपको एक टिकट मिली और सेशन की मिल गई, एक आपको टिकट ग्रांटिंग टिकट मिल गई, ठीक है।
पहले आप उसके बाद गए, एक टिकट मिल गई, और फिर उसके बाद आपने वही टिकट आगे उस सर्वर को पास की, उसने आपको एक नए सर्वर के एक्सेस के लिए टिकट दे दी। ये जो आपको पहले चीज मिली थी, ये आपको टिकट ग्रांटिंग टिकट मिली थी, वो आपने जाके दोबारा से कहा जी आप मुझे इससे एक्सेस करना है, ये जो नीचे सर्वर है, तो मुझे आप इसकी टिकट दें। तो वो यहाँ पे जब बात की तो उसके बाद आपको एक नई टिकट मिली। तो यहाँ पे क्या हुआ था, पहले लॉग इन किया, सर्वर के पास गया, एएस ने आपको वेरीफाई किया, और उसके बाद उसमें आपको एक टिकट सेशन की दी और एनक्रिप्ट किया यूजिंग द की ड्राइव ऑफ यूजर पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड दिया था उसे एनक्रिप्ट करके उसको भेज दिया। फिर वर्क स्टेशन ने पासवर्ड भागा टू डिक्रिप्ट द इनकमिंग मैसेज एंड देन सेंड टिकट ऑथेंटिकेटर दैट कंटेन्स यूजर नेम नेटवर्क एड्रेस एंड टाइम टू द टिकट ग्रांटिंग सर्विस। ये तीनों चीजें आपने सर्वर को पास की, उसने आपको एक नई टिकट दी, ठीक है। फाइल सर्वर के लिए अलग मिलेगी, प्रिंट सर्वर के लिए अलग मिलेगी, प्रॉक्सी सर्वर के लिए अलग मिलेगी, वेब सर्वर के लिए अलग मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये वाली जो पहले मिली है वो सबके लिए एक ही होगी। मतलब क्या, मैंने फाइल सर्वर एक्सेस करना है, सबसे पहले मैं लॉग इन करता हूँ, मैं इधर जाता हूँ कर्बरोस सर्वर के पास, वो मुझे एक टिकट ग्रांटिंग टिकट दे देता है, ओके आई एम लॉग इन। इसके बाद मैंने वेब सर्वर एक्सेस करना है, मैं फिर दोबारा जाता हूँ, मैं मुझे वेब सर्वर की टिकट दो, वो टिकट जो मुझे पहले इशू हुई थी वो मैं प्रेजेंट करता हूँ, उसके अगेंस्ट मुझे एक टिकट इशू होती है, वो टिकट आती है, वो मैं जाके इस वेब सर्वर को देता हूँ, वेब सर्वर मुझे रिक्वेस्ट वापस कर देता है। मैं कहता हूँ मुझे फाइल सर्वर पे जाना है, मैंने जो ओरिजिनली टिकट रिक्वायर की थी वो मैं देता हूँ टिकट टीजीएस को, टीजीएस मुझे एक नई टिकट देता है से फाइल सर्वर के लिए, मैं फाइल सर्वर के पास जाता हूँ, फाइल सर्वर मुझे सर्विसेज दे देता है। तो जब तक मेरा सेशन एंड नहीं हो जाता, अब नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ, और मैंने अब वेब सर्वर पहले भी एक्सेस किया था और दोबारा भी किया था, तो मैं वेब सर्वर की टिकट मेरे पास पड़ी हुई है पहले, तो मैं यहीं से वेब सर्वर के पास चला जाऊंगा, मुझे दोबारा से टिकट करवाने की जरूरत नहीं। तो ये कर्बरोस का एक फायदा है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, रिक्वेस्ट हुई तो वर्क स्टेशन सेंड टिकट ने ऑथेंटिकेटर टू द होस्ट, जिसको वो एक्सेस करना चाह रहा है, होस्ट वेरीफाई करता है और उसके बाद उसको एक्सेस कर दे देता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये एक बर्ड आई व्यू है इस चीज का, ठीक है। तो ये चीजें डायग्राम कमोबेश ऐसी बनेगी, तकरीबन ऐसी बनेगी, ठीक है, लेकिन उसमें स्टेप्स जरा थोड़े से ज्यादा होंगे, तो वो स्टेप्स को आपने मद्देनजर रखना है, आपका असाइनमेंट ये है, ठीक है। तो ये कर्बरोस एक प्रोटोकॉल है, इसको आप पढ़िए, बड़े अच्छे दास से लिखा हुआ है। मैं रिकमेंड ये करूंगा कि ये तमाम बच्चे इस डायलॉग को इकट्ठे बैठ के पढ़े, ठीक है, इकट्ठे बैठ के पढ़े। एथना हेयर टाइम शेयरिंग सिस्टम इज अ ड्रैग, आई कैन गेट एनी वर्क डन बिकॉज ऑफ एवरीवन एल्स इज लॉक्ड इन, ठीक है। तो ये करते करते इस किस्म की कहानी शुरू होती है, बातचीत होती है, और फिर वो जो इश्यूज हैं वो डिस्कस होते हैं, और फिर जाके एक चीज बनती है, ठीक है। तो ये आपको इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको फिर उसमें एक चीज जो है, ये देख रहे हैं, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है, टिकट में क्या होता है, ये वही वाली बातें, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस की है। केडीसी रिप्लाई कैसे करेगा, तो ये है जनाब, ये वर्जन देख लें इधर, ठीक है, और इधर वर्जन देख लें, ठीक है, ये तो देखें किधर क्या वर्जन, इसका नंबर ये वर्जन 4 था मेरा ख्याल है, तो थोड़ा सा फर्क है, परेशान नहीं होना, हो जाएगा। अगला सवाल, नहीं तो मैं अब एक्सेस कंट्रोल पे आऊंगा और फिर लेक्चर खत्म करते हैं। इस तरह की आपने पहले भी फिगर दिखाई थी, वो नहीं थी मिटली, वो कहां पे दिखाई थी आप? वो भाई मैंने खुद बनाया हुआ था, असाइनमेंट बना के, मैंने सोल्यूशन भी तो बनाना होता ना अल्लाह के बंदे, ठीक है। अच्छा हाँ, सोल्यूशन आपने खुद बनाया था? जी सर, मेरा बनाया हुआ। डायग्राम आप एज इट इज बेशक कॉपी कर लें, वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है, उसको आप देखो, और देखने के बाद एज इट इज डायग्राम एज इट इज बना दो, लेकिन जो आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे मैं तो उस पर इवैल्यूएट करूंगा ना, और डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिखाई कोई नहीं, ठीक है ना, तो उस वाले से अब ये ना बना के भेजना साल, ठीक है, ठीक हो, तो उसमें स्टेप्स जरा इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपनी मेहनत से बताना। अच्छा, ये होगी बच्चों ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ये वाला पार्ट ऑथेंटिकेशन होगी। ऑथेंटिकेशन के बाद हमने ऑथराइजेशन भी करनी होती है, ठीक है। अब सपोज एक बंदा आता है, ये मैं जो ये बुक मैं यूज कर रहा था, ये आपकी 7th एडिशन थी, क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस, जो कि एलएमएस पे अपलोडेड है, ठीक है। दूसरी जो बुक इसमें रेफर कर रहा हूँ मैं, जो कि यहाँ पे एचईसी ने भी रेकमेंड की हुई है, ये वाली, ये, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये बुक है, ठीक है, एलएमएस पे अपलोडेड है मेरा ख्याल है, देख लेते हैं, शायद मैंने की हुई है,
हाँ ये दोनों है ठीक है, ये और ये, ये और ये, एक थर्ड एडिशन है और एक सेवंथ एडिशन है, दो डिफरेंट बुक्स हैं, दोनों अपलोडेड हैं। अच्छा यहाँ पे आप एक चीज देखें, अब एक बंदा यूजर नेम पासवर्ड देख के ऑथेंटिकेट होके आ गया, बस खत्म, क्यों और कुछ भी करना है? अब सपोज मैं ऑथेंटिकेट होके फेसबुक पे आ जाता, मैं क्या कर सकता हूँ? अपना डेटा देख सकता हूँ, ठीक है, स्टेटस वगैरह लगाएंगे आप, अपना स्टेटस लगा सकता हूँ, आपका स्टेटस नहीं लगा सकता, आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकता, आपको डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है, आपके नाम से मैसेजेस नहीं कर सकता। तो बेसिकली क्या आ रहा है, ऑथराइज किया जा रहा है, ठीक है, मेरे एक्सेस को कंट्रोल किया जा रहा है, ऑथेंटिकेट में हो गया हूँ। अब जैसे एक बंदा है, आप गेट पे उसको वैलिडेट कर लेते हैं, यूएमटी के गेट पे कोई बंदा आता है, उसको आप वैलिडेट करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं कि वाकई वो है। अब उस बंदे को, मैं अंदर थक गया भाई बैठ बैठ के, उस बंदे को आप अंदर आने देते हैं, ऑथेंटिकेट हो गया जी, वैलिड था, वो अंदर आके जो दिल करे करे, नहीं, आप उसके एक्सेस कंट्रोल को भी मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो एक्सेस कंट्रोल जो है वो चार किस्म के होते हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, चार प्रिंसिपल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या करना जी, ऑथेंटिकेशन का पार्ट हमारा हो गया, जिसमें आपने वेरीफाई किया, कर्बरोस की बात की, वैलिडेट किया, वैलिडेट हो गया, वैलिडेट होने के बाद आपने उसको सिस्टम में एंट्री दे दी। अब ऑथराइज, कौन सा काम वो करने के काबिल है, वो ऑथराइजेशन है। ऑडिट अगली चीज है कि वो उसने क्या किया क्या नहीं किया, वो उसका बाद में पार्ट है, उसको देखने के लिए इसने किया था कि नहीं किया था, ठीक है। तो ऑथराइजेशन, ग्रांटिंग द राइट ऑफ परमिशन, ठीक है, टू यूज अ सिस्टम रिसोर्स, क्या करने के काबिल होगा क्या करने के काबिल नहीं होगा। फिर एंड पे होता है ऑडिट, किसने क्या किया क्या नहीं किया, क्या उसको करना अलाउड था, इख्तियारात से तजावुज तो नहीं किया, तो ये वाली बात है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एक डायग्राम है जो कि एक्सेस कंट्रोल एंड अदर सिक्योरिटी फंक्शंस आपको कुछ चीजें क्लियर करेगी। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, वो ऑथराइजेशन डेटाबेस को मॉनिटर कर रहे हैं, यूजर आता है अपने आप को ऑथेंटिकेट करता है, जो कि आपका कर्बरोस हो गया या और कोई प्रोटोकॉल हो गया जिससे आपने उसको वैलिडेट किया। उसके बाद फिर एक्सेस कंट्रोल की बात आ गई। एक्सेस कंट्रोल में क्या हुआ, ये फाइल एक्सेस करने की इजाजत थी, ये फाइल एक्सेस करने की इजाजत नहीं थी, ये एक्सेस कंट्रोल हो गया, ठीक है। वो अब इनको ये पहली दो फाइल्स एक्सेस करने की इजाजत थी और ये डेटाबेस एक्सेस करने की इजाजत थी, यहाँ पे ये एक्सेस कंट्रोल इस चीज को एंश्योर करेगा कि यही दो एक्सेस कर सके, ये दो नहीं कर सके, ठीक है। ऑथराइजेशन डेटाबेस में जो उसकी लिस्टिंग है कि ये करने उसको अलाउड है तो वो कर सकेगा। ऑथेंटिकेशन के बाद का प्रोसेस आता है, ठीक है। अब एक्सेस कंट्रोल को हम पढ़ेंगे, ऑडिट की बात बाद में करेंगे। ऑडिटिंग इन सारे स्टेप्स को देखना कि कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये ऑडिटिंग है, ठीक है। अच्छा अब जो कुछ पॉलिसीज होती हैं हमारी वो ये हैं, परेशान नहीं होना, इतना औखा काम नहीं है। आई अज्यूम कि आप लोग विंडोज पे लॉग्ड इन हैं, ठीक है, तो अगर लॉग्ड इन है तो जरा पावर शेल खोलिएगा, ठीक है, सर जो विंडोज पे नहीं है वो फिर इंतजार करें, ठीक है। अब मैं नहीं देख लेते हैं, ठीक है, और मैं एक मिनट देखता हूँ, ये शेयर करता हूँ मैं आपके साथ, आपकी तक स्क्रीन शेयर, स्टॉप शेयर और दोबारा से शेयर करते हैं, एक और फाइल शेयर करनी है ना, पहले आपको कुछ बताता हूँ। ये मैंने अपनी ड्राइव को किया, तो ये मेरा यूजर्स का फोल्डर था, उसके अंदर ये कुछ पायचाम और इसी सभी चीज़ें, स्क्रीमिंग फ्रॉग, अच्छा इन्होंने भी बनाई हैं, तो ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं मेरे सिस्टम। मैंने कहा अब ये क्या बला है, ये कमांड है, पावर शेल में चलती है, ACLs, ठीक है, ये है IC से दिल में निकल गया, ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब क्या है, एंटी अथॉरिटी में सिस्टम नामी जो यूजर है उसके पास
फुल एक्सेस है, एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास फुल एक्सेस है, ये मेरे कंप्यूटर का नाम है, एमएज तक भी मेरे लॉगिन नेम है और उसके पास फुल एक्सेस है, ठीक है। ये क्या है, ये मेरी फाइल्स की एक्सेस है, फाइल्स की परमिशंस है, ठीक है। ये जो मेरा फोल्डर है वन ड्राइव के नाम ही का, इसके ऊपर इन तीन यूजर्स को ये एक्सेस अवेलेबल है, ठीक है। अब ये क्या बोला है, ये एक्सेस कंट्रोल है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ जी मेरे कंप्यूटर के ऊपर एक नया यूजर बनता है जिसका नाम मैं रखता हूँ आसल शहजाद, आसल ASIL लिख देता हूँ, ठीक है। अभी तक जो मैंने आपको चीजें दिखाई, इसका मतलब है कि आसल शहजाद को भी मेरे इस फोल्डर पे फुल एक्सेस है। इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स जी, बिल्कुल। क्योंकि एक चीज टर्म लिखें, अगर एक्सप्लिसिटली अलाउ नहीं किया हुआ तो वो इम्प्लिसिटली डिनाई हुआ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज है वो जो हमने पढ़ी, उसे हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल एक्सेस बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द रिक्वेस्टर। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या थी, किसको अलाउड था? एंटी सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को और एमएच नकवी को। सिस्टम कंप्यूटर का एक यूजर है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर्स एक ग्रुप है और एमएच नकवी एक यूजर है। तो इन तीन जो एंटिटीज हैं इनको इस फोल्डर की कंप्लीट एक्सेस थी। तो यह है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, समझ आ गई। कंट्रोल एक्सेस बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द रिक्वेस्टर एंड ऑन द एक्सेस रूल्स। अब मैं यहाँ पे फुल कंट्रोल था, मुझे सारा कंट्रोल है। यहाँ पे सिलेक्टेड होता आर, जो एफ की जगह आर लिखा होता तो उसका मतलब था रीड ऑनली। अगर वहां पे होता R W तो रीड और राइट कर सकता था, ठीक है। तो ये डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। फिर है जी मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, इसमें एक टर्म रहेगी पॉलिसीज टर्म डिस्क्रिशनरी बिकॉज एंटिटी माइट हैव एक्सेस टू राइट टू दैट एंटिटी, ठीक है, और बाकी दूसरी एंटिटी के लिए उसको अलग अलग कंट्रोल देना पड़ेगा। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल बेस्ड ऑन कंपेयरिंग सिक्योरिटी लेबल्स विद सिक्योरिटी क्लियरेंसेस, ठीक है, बिकॉज एंटिटी हैज द क्लियरेंस टू एक्सेस द रिसोर्स मे नॉट जस्ट बाय वायलेशन। अब ये वाली कहानी क्या है, अब कोई बंदा जो मैंडेटरी के हवाले से कि आप सिक्योरिटी लेबल, अब किसी को एक्सेस नहीं है और उसको आप एक टेम्पररी टोकन देते हैं, जैसे मैं एक लैब्स कर रहा हूँ आजकल, ठीक है। तो लैब्स में अगर मैं किसी सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो वो तो सिस्टम कहीं और है और मुझे उस वक्त टेम्पररी आईडी पासवर्ड मिलता है और मैं उसको एक्सेस करता हूँ, तो मुझे उस वक्त के लिए वो एक मैं टोकन देता हूँ उसको और फिर मैं एलिजिबल हो जाता हूँ। तो ये एक मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल की बात है, ठीक है। फिर तीसरी केस जो इस्तेमाल होता है वो रोल बेस्ड होता है। रोल बेस्ड क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप का मेंबर है जी उसको एक्सेस है, ठीक है, वैसे नहीं। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, डिनाई अगर होगा तो वो टेक ओवर करेगा, फॉर एग्जांपल, मतलब ओवरराइड करेगा। फॉर एग्जांपल एक फोल्डर था उसकी मुझे कंप्लीट एमएच नकवी को कंप्लीट एक्सेस थी, ठीक है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर्स के ग्रुप को कंप्लीट एक्सेस नहीं थी, एमएच नकवी वाज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो क्या होगा, डिनाई हो जाएगा, डिनाई टेक्स ओवर, बस ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर एक चीज है एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, एट्रीब्यूट ऑफ द यूजर्स, रिसोर्सेज टू बी एक्सेस, करंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, के ये चीजें हैं, ये टैग्स जिसको आप कह सकते हैं कि जिस चीज पे ये टैग्स लगे हुए हैं तो उसको अलाउड है, ठीक है। रोल नहीं है, टैग है, ठीक है। तो उस हवाले से एट्रीब्यूट्स, ये चार चीजें हैं। अब क्या हुआ, यूजर हमारे पास आया, हमने उसको कर्बरों से अथेंटिकेट किया। अथेंटिकेट करने के बाद नॉर्मली डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल हम इस्तेमाल करते हैं, तो फोल्डर की रिक्वेस्ट को वैलिडेट किया गया और वैलिडेट करने के बाद उसको अलाउ या डिनाई किया गया, ठीक है जी, समझ आ गई। तो आज के बाद ये इसमें एक चीज होती है, अगर आप लिनक्स में भी ट्राई करेंगे कर लीजिएगा, हर सिस्टम में, लिनक्स में ज्यादा जरा सिंपल है। लिनक्स में क्या होता है कि आपके पास तीन एंटिटीज होती है, एक ओनर होता है, एक ग्रुप होता है, एक वर्ल्ड होता है, अदर कहते हैं उसको।
ठीक है, एक यूजर होता है, एक ग्रुप होता है, एक अदर होता है, जो लिनक्स की टर्मिनोलॉजी है। ओनर वो बंदा जो कि उस फाइल को या उस रिसोर्स को या उस फोल्डर को क्रिएट करता है, उसको ओनर कहते हैं। ग्रुप क्या है, अब एमएच देखिए ने एक फाइल क्रिएट किया, एक फोल्डर क्रिएट करा करा कह रहा हूँ मैं, असल में वो पी आई एसी के लेक्चर सुन रहा हूँ ना, तो उसके अंदर जो टीचर्स हैं वो नॉर्मली कराची से है, तो वो करा शरा बोल देते होते हैं। तो अच्छा, अब वो जो ओनर साहब हैं, वो ओनर साहब जो हैं, वो मतलब मैंने फोल्डर एक क्रिएट किया तो मैं ओनर हो गया, एम एच नकवी इज द ओनर, एम एच नकवी वॉज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप। तो ग्रुप अगर आप एक्सेस देते हैं जो कि आप मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल या रोल बेस्ड में देंगे, तो वो आपका ग्रुप हो गया कि एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप को इस फाइल की एक्सेस है। वर्ल्ड उस फोल्डर या फाइल के साथ बाकी जो कि ना ओनर है ना ग्रुप है, बाकी लोग क्या कर सकते हैं, वो वर्ल्ड या अदर में आएंगे। ठीक है, तो आपकी जो फाइल्स होती हैं वो, बल्कि मैं बता भी देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट नोट पैड मैं ओपन कर लूँ, फिर मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये टर्म्स आपको पहले मैं बता दूँ, ये नोट पैड मैंने ओपन किया है और मेरा ख्याल आपको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही होगी, तो मैंने शेयर करके नोट पैड ओपन करके शेयर कर देता हूँ। नज़र आ गया जनाब? अच्छा, यस सर। अब सपोज एक फाइल है जिसको मैं नाम रखता हूँ माई फाइल, ठीक है, .txt। इससे पहले क्या चीजें आती हैं, माइनस रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है। उसके बाद एमएस नकवी एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह वगैरह। अब इसको पढ़ना कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये लिनक्स की परमिशंस बता रहा हूँ मैं, विंडोज की नहीं बता रहा, विंडोज में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं एक और चीज करता हूँ, इसको दोबारा से कॉपी करता हूँ, ये मैंने DIR किया और मुझे ये चीजें मिली, ठीक है, और माय फोल्डर, ठीक है। अब ये जो सबसे पहला वाला लेटर है डी, इसका मतलब है ये डायरेक्टरी है या फोल्डर है, यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब ये फाइल है, समझ आ गई? ये है रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। ये है वो यूजर जिसने वो फाइल क्रिएट की है, ये वो ग्रुप है जिस ग्रुप को एक्सेस है, और ये उस फाइल का नाम है, ठीक है। पहले एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, फिर ओनर का नाम आ रहा है, फिर ग्रुप का नाम आ रहा है, और फिर फाइल फोल्डर का, और फिर टाइम स्नैप भी होता है। अच्छा, अब ये क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट, परेशान नहीं होना, इस तरह से देखें, ये क्या था, यूजर है, तो पहला हिस्सा किसका हो गया, यूजर का, पहले तीन बिट्स, फिर क्या है, ग्रुप है, फिर ये तीन ग्रुप आ गए, फिर आगे फाइल का नाम है उसको छोड़ देते हैं, तो आखिरी तीन जो होती हैं वो अदर होती है या वर्ल्ड होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो यूजर है वुड बी एबल टू रीड दिस फाइल, he or she would be able to write to this file, he or she would be able to execute this file, kon user, theek hai, phir group member would be able to read write and execute, the world would be able to read write and execute। ab is cheez ko main change karta hu yahan pe ab main kehta hu इसको चेंज करके, आप बताएं, बड़े आराम से बता देंगे कि जनाब ये एक फाइल है जिसको यूजर रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है, जो ग्रुप है वो सिर्फ रीड कर सकता है और अदर कुछ भी नहीं कर सकते इस फाइल के साथ, उनको एक्सेस ही नहीं, समझ आ गई? ये क्या हो रहा है, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल हो रहा है। क्या हो रहा है जी, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, साथ साथ आपका ग्रुप बेस या रोल बेस भी हो रहा है, अगर एडमिनिस्ट्रेटर है तो उस हिसाब से एक्सेस मिल रही है, ठीक है। तो ये वाली फाइल मैं स्टॉप शेयर करता हूँ और फिर वापस बुक पे आता हूँ। तो ये आपको ओनर, ग्रुप और वर्ल्ड के हवाले से इन्फॉर्मेशन बता दी। तो ये करना अगर आसान होता है, जो मैंने आपको ये विंडोज का पावर शेल दिखाया था, तो पावर शेल में भी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन उसके अंदर इनहेरिटेंस भी आती है, तो इसमें इनहेरिटेंस नहीं थी, ठीक है। विंडोज इनहेरिटेंस भी करता है कि अगर पेरेंट फोल्डर है तो क्या ये चाइल्ड फोल्डर पे चलेगा, ओनरशिप और सिस्टम की चीज है।
एक्सेस राइट्स क्या क्या हो सकते हैं किसी फाइल या फोल्डर या किसी रिसोर्स के? रीड राइट एग्जीक्यूट डिलीट क्रिएट सर्च. अब ये रीड राइट एग्जीक्यूट डिलीट राइट में आ गया, ठीक है, क्रिएट में राइट में आ गया, सर्च एग्जीक्यूशन में आप कह सकते हैं, ठीक है. तो बेसिक ये तीन है, रीड राइट और एग्जीक्यूट, ठीक है. कि अगर आप डिलीट करेंगे तो आप उस फाइल को राइट ही कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है. क्रिएट कर रहे हैं तो नई फाइल बना रहे हैं तो राइट मोड में आप उसको ओपन कर रहे हैं. सर्च कर रहे हैं तो आप उसको रीड ही कर रहे हैं, ठीक है. तो ये चीजें इसमें हैं. ये जो चीजें इन्फोर्स हो रही होती हैं उसको हम कहते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट. आई कैकल्स मैंने लिखा था कमांड में, आपने देखा था, तो वो ए सी एल थी, उसके अंदर सी ए सी एल था. क्या था? एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इसलिए ए सी एल था, ठीक है. आई सी आई कैकल्स डैकल्स डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, इस किस्म की कमांड इसमें पावरशेल में इस्तेमाल होती है. तो ये वाली चीजें इतनी डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, ये आप करेंगे अपने विंडोज सिस्टम्स के ऊपर. कैसे करेंगे करके बता देते हैं. अगर आप, बल्कि करके दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, करके दिखाते हैं फिर आपको कुछ जरा चीजें क्लियर होंगी. एक मिनट. अच्छा, सपोज करते हैं मैं डेस्कटॉप एक फोल्डर बना लेता हूं, ठीक है, और उसका नाम मैं रख लेता हूं, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया, ठीक है जनाब, एक मिनट, बल्कि ऐसे करने की बजाय मैं डेस्कटॉप पे ही जाता हूँ, क्योंकि इस तरह से तो फिर क्लियर नहीं होगा ना. ये मेरा डेस्कटॉप मैं आपसे शेयर करूँगा, एक मिनट, और शेयर स्क्रीन. अब डेस्कटॉप कहाँ से आएगा? डेस्कटॉप आएगी ना, एडवांस्ड पोर्शन ऑफ स्क्रीन कंप्यूटर बेसिक में कंप्लीट डेस्कटॉप तो आई नहीं रहा मेरा शेयर होते हुए. स्क्रीन ठीक है, अब आ रहा है जी नजर डेस्कटॉप मेरा, क्योंकि डेस्कटॉप की ऑप्शन नहीं आ रही थी ना. नजर आया? ओके जनाब. अच्छा जनाब, अब मैं इसका नाम रखता हूँ आईएस के नाम से ही मैं फोल्डर बनाया, ठीक है. अब इसकी एक्सेस कंट्रोल मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? प्रॉपर्टीज आपको नजर आ गई, ठीक है, अभी फिलहाल इसमें कुछ नहीं है. सिक्योरिटी के टैब में आते हैं तो देखें जी तीन यूजर्स हैं, सिस्टम, एमएचनेक और एडमिनिस्ट्रेटर्स. अब ये वैल्यूज कहाँ से आई है? मैंने तो सेट नहीं की. तो मैंने आपको बताया कि विंडोज में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, वो इनहेरिट हो रही है, ठीक है. तो फिलहाल मैं ये जो परमिशन है इनको करता हूँ रिमूव. रिमूव, अब वो कहता है ओहो नहीं हो सकता, इनहेरिटेंस हो रही है, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते. अच्छा ओके, हम इनहेरिटेंस खत्म कर देते हैं, ठीक है. तो वो यहाँ से जो परमिशंस हैं वो डिसेबल इनहेरिटेंस कर देते हैं. जी बिल्कुल, रिमूव इनहेरिटेंस कुछ भी नहीं हुई, खत्म कर दी मैंने, इस पर परमिशन ही खत्म हुई, ठीक है, नथिंग इज इनहेरिटेड, ठीक है. अब इस फोल्डर के ऊपर परमिशन ही कोई नहीं, मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा. क्यों भाई? मैंने परमिशन ही नहीं बताई हुई उसकी. अच्छा, अब मैं आता नहीं एडिट करके और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एम एच नकवी. ये मैं यूजर नेम लिख रहा हूँ अपना, चेक नेम्स, उससे वो सही हो गया. ओके, अब मैंने कह दिया जी रीड राइट एग्जीक्यूट और फुल कंट्रोल देने. अब यहाँ पे आप देखें राइट साइड पे डिनाई भी है, ठीक है. मैं कहता हूँ जी फुल कंट्रोल है और यहाँ पे डिनाई, जो डिनाई है वो ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर एमएच डंकी का ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको इसकी फुल कंट्रोल है, ठीक है, और ग्रुप को फुल कंट्रोल है, तो यहाँ पे जैसे मैं डिनाई करूंगा, बेशक वो एडमिनिस्ट्रेटर का पार्ट है लेकिन वो देख नहीं पाएगा, ठीक है, उसके लिए वो चीज डिनाई हो जाएगी. क्लियर है? अच्छा, अब इसको मैं करता हूँ ओके. ओके, मैं फोल्डर एक्सेस कर पा रहा हूँ. ये क्या हुआ? मुझे इस चीज की एक्सेस मिली है जो कि डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, ठीक है. अब यहां पर अगर आप गौर करें तो सिर्फ एम एच नकवी है. अब ना सिस्टम्स को एक्सेस है, ना एंटी अथॉरिटी को एक्सेस है, ना और कोई यूजर है जिसको एक्सेस है. अब यूजर जो है वो मैं आपको देख के बताता हूँ मेरे सिस्टम में जो बने हुए.
तो मैं ये मैनेज का एक बनाया है और मैं लोकल मैंने नहीं बनाया सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे जनाब कुछ अकाउंट्स हैं जो कि मेरे सिस्टम में बने हुए हैं। तो जनाब एडमिनिस्ट्रेटर है, डिफॉल्ट अकाउंट है, गेस्ट है, मैनेजर की है और WDA यूटिलिटी, ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के बनाए हुए हैं। सिर्फ एक यूज़र है जो कि एक्टिवेटेड है, बाकी सारे डिसेबल। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो मैंने सिर्फ एमएचनेट की एक्सेस दे दी, लेकिन सपोज मैं कहता हूँ यहाँ से जी इसको मैं गेस्ट को इनेबल करता हूँ। ठीक है, यहाँ से इनेबल हो गया, ओके करता हूँ, इनेबल हो गया। अब जब ये इनेबल हो गया तो यहाँ पे इस फोल्डर को ये यूज़र एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये बड़े आराम से आप अपने सिस्टम्स के ऊपर ये सेटिंग्स करके दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और चीज़ होती है एडवांस में आके, ऑडिटिंग की बात हो रही थी। अगर आप चाहते हैं कि आप देखें कि कौन से फोल्डर को किस बंदे ने एक्सेस किया था, तो यहाँ पे आके ऑडिटिंग ऑन करें। ठीक है, और उसके बाद आप रूल्स सेट कर दें। ठीक है, कि से एम एच नकवी साहब हैं, एम एच नकवी के बारे से क्या करना है, आप देखें जी उन्होंने अगर रीड किया है ना तो उसको ज़रा लॉग कर लें, रीड अगर सक्सेस हो गई है तो उसको लॉग कर लें, तो वो लॉग में हो जाएगा। तो हम इसको अगर लॉग करते हैं, इसको मैं ओके कर देता हूँ, तो ये इवेंट व्यूअर में आ जाएगा, सक्सेस हुआ, ओके। यहाँ पे वो कंप्यूटर मैनेजमेंट में आते हैं वापस, और इवेंट व्यूअर में होपफुली ये चीज़ लॉग हो गई होगी। विंडोज लॉग्स इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन की वजह इंफॉर्मेशन में होगा शायद, ढूंढने पड़ेंगे आपकी तरह, मुझे देखनी पड़ेंगे कहाँ पे। लेकिन बहरहाल वो इस तरह से एक सिस्टम के इवेंट्स अभी अच्छा लोड हो रहा था, मैं आगे चला गया। ये चीज़ें इस तरह से यहाँ पे लॉग होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ऑडिट वाला पार्ट भी मैंने आपको बताया कि इस तरह से ऑडिट भी होगा चीज़ों का। ठीक है, तो अब आपको ये जो मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर करूँ बुक वाली, तो यहाँ से आपको एक चीज़ बल्कि मेरे ख्याल पॉपुलेट हो गया है, एक मिनट मैं वो ढूंढ के ना आपको वो चीज़ भी दिखाता हूँ सिक्योरिटी का, या कौन सा जिसमें वो चीज़ आ रही है, अभी ये लोड होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे भी ढूंढनी पड़ेगी कि कौन सी लॉग के अंदर वो लॉग हो रही है चीज़। ठीक है, तो सिक्योरिटी लॉग में होनी चाहिए, तो अभी तक लॉग पॉपुलेट नहीं हुई, बहरहाल देख लेते हैं। एप्लीकेशन के एरर हैं, हाँ आ गया मेरा ख्याल है, ओके ये आ गया, मैं आपको दिखाऊं। वो जो मैंने एक ऑडिट लॉग ऑन किया था, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये काफी सारे इवेंट्स हैं। ठीक है, मैंने ऑडिट पॉलिसी के अंदर एक चेंज रखा था कि अगर वो फोल्डर एक्सेस हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो ये अगर आप यहाँ पे देखें, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करना होगा, तो क्या हुआ जनाब, 23 अप्रैल 2:28:11 के ऊपर ये जो फोल्डर था ये एक्सेस सक्सेस हुआ है, ऑडिट सक्सेस। ठीक है, ये चीज रीड हुई है। तो इस तरह से आप अपने इवेंट, कौन सा फोल्डर था, सी यूजर एमएचपी डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे ही बनाया था ना हमने भी, तो वो चीज ऑडिट सक्सेस हुई है, हमने उसका रिकॉर्ड रख लिया, हमें साफ आ गया। ठीक है, ये फोल्डर था एक्सेस हुआ इस टाइम पे, तो बड़े आराम से आप ऑडिट भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हर इवेंट लॉग हो रहा है जो आपके सिस्टम पे होता है। तो ये पहले होगी ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन के बाद हमने बात की एक्सेस कंट्रोल की, और एक्सेस कंट्रोल में लॉगिंग में से एक पार्ट की हमने बात की के जो कि ऑडिट का था, कि फाइल फोल्डर एक्सेस को ऑडिट कैसे किया जाता है, उसका हिसाब कैसे रखा जाता है। तो ये अलग बात है कि अच्छी खासी इसमें इंफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है जी, तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है, बाकी मैं इसको फिर आगे थोड़ा सा और लेके चलूँगा। ठीक है, और आप लोग भी ये इस आउटलाइन को मैंने LMS पे भी अपलोड की हुई है वैसे, तो यहाँ पे भी देख लीजिएगा। अब जो चीज़ें रहेगी हमारी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी और ये वाले हिस्से, जिसको मैं जल्दी इंशाल्लाह कवर करूँगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चंस प्लीज इफ यू हैव एनी। टाइमिंग भाई ये मैं पता करता हूँ, मुझे खुद नहीं आइडिया।
मैं ना आज शहजाद को ईमेल करता हूँ, उसको पूछता हूँ कि रमजान टाइमिंग्स क्या होंगी, क्योंकि रमजान में बाकी बड़ा मुश्किल हो जाएगा इधर गर्मी में बैठना। मैं इस वक्त जानबूझ के पंखा बंद करके बैठा हुआ, पूछो क्यों, क्योंकि मुझे ये है कि शोर आएगा और फिर मेरी आवाज नहीं जाएगी सही तरीके से, जाएगी सही लेकिन वो सही नहीं है, वो कुछ आया है पीने के लिए। ठीक है, ये फातिमा का ग्लास है जनाब, टैंग है। अच्छा जी, क्वेश्चंस प्लीज। घर के ये फायदे हैं, घर में बैठे बैठे वो खाने पीने को बड़ा कुछ मिलता रहता है। अरे मैं तो नहीं मिल रहा। अच्छा चलो यार कोई नहीं, मैं फिर यही कह सकता हूँ ब्याह करा ला। ठीक है। अच्छा अब एक चीज और, मैंने आपकी तीन असाइनमेंट्स तो दे दी हैं, क्विज भी मैं बना रहा था, तो क्विज इंशाल्लाह मैंने नेटवर्क वालों का भी कल ओपन करना है, तो आपका भी क्विज कल ओपन हो जाएगा। ठीक है, नोटिस मैं लगा दूंगा, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चंस बना रहा था तो मुझे अभी जहन में नहीं है मैंने कहाँ कहाँ से बनाया, तो मैं एक दफा देख के फिर आपको बता दूंगा मैंने कहाँ से क्वेश्चंस बनाए। ठीक है, तो कल बल्कि आपका फिर परसों ओपन कर दूंगा। ठीक है, सीआर को मैं मैसेज कर दूंगा और फिर आप क्विज भी कर लीजिएगा। अभी आपके कितने क्विज हो चुके हैं? एक दो, एक हुआ मेरा, एक दो, दो नहीं, वो उसको काउंट ना करें ना, उसे काउंट ना करें, वो रहने दें। हाँ वो नेटवर्क एकेडमी वाला रहने दें, उसको ना काउंट करें, क्योंकि उसका क्रेडिट नहीं ना दे सकता मैं आपको, क्रेडिट कोर्स नहीं है वो, उस तरह से है। बाकी ये है कि मुझे खुशी हुई है कि ये बच्चे इस कोर्स में एनरोल हुए हैं। ठीक है, कंप्रीहेंसिव स्टडी करना बच्चों, तभी आपको ना फिर आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी, जब आपके पास वो गूगल का सर्टिफिकेट आएगा ना, तो फिर ज़रा दिल खुश होता है, हाँ मैंने कुछ किया है। तो इसलिए रिकमेंडेशन ये है कि वो ज़रा ध्यान से करें और जितने कोर्सेज इनरोल करने करें, और उसके बाद फिर आहिस्ता 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 पढ़ते जाएं साथ साथ। ठीक है जी, सर इनकी डेडलाइन अगर एक्सीड हो जाए तो उसका कोई इशू होता है? किसकी? कोर्सेरा पे? हाँ जी, कोर्सेरा पे ये होता है कि आपको ना वो डेडलाइन अगर एक्सीड हो जाती है तो आप रीसेट डेडलाइन कर सकते हैं। ठीक है, रीसेट डेडलाइन में ये होता है कि फिर आपका कोर्स का जो स्टार्टिंग डेट है वो चेंज कर देते हैं, उस हिसाब से फिर वो आपको डेट्स मिल जाती है, तो उसमें इशू नहीं है। अगर आप डेडलाइन मिस करते हैं तो वो डेडलाइन को रीसेट कर देते हैं और नए कोर्स में फिर अपन लोग ले जाते हैं, फिर वो ये है कि कोर्स की ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है कई दफ़ा। ठीक है, ठीक है, और कोई सवाल? नहीं सर। चलिए ठीक है, थैंक यू, विल बी ऑल, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।